और उस तराजू पे रख दीजिए, देखें वजन में है कि नहीं है। शायरी का तो खून हो गया। शुआरा जो नऊज़ु बिल्लाह शराब पीते हैं फिर जहर पी पी के खत्म हो जाएंगे कि जनाबे वाला ये क्या हो रहा है, शायरी को तौला जा रहा है किस पर, कोयला तोलने वाली तराजू पे। वहां भी वजन है, लकड़ी तोलने की तराजू अलग है। और लकड़ी तोलने की जो तराजू होती है उसमें जो पड़ले होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं, और सोना तोलने की जो तराजू होती है उसके जो पड़ले होते हैं वो बड़े लतीफ नाजुक होते हैं, और वो उस चीज के होते हैं जो देखने में भी सोनाई लगती है। और शेर शायरी चूंकि अल्फाज में होती है तो उसकी जो तराजू बनाई जाती है वो भी अल्फाज की बनाई जाती है। फाइलातुन फाइलातुन फाइलात, ये तफ़ीलात जो हैं ये तराजू है अल्फाज की। तो जैसी चीज तोलनी होगी वैसी तराजू। तवज्जो रहे जवानों, कयामत में क्या तोला जाएगा, अमाल, नमाज तौली जाएगी, रोजा तौला जाएगा, हज तौला जाएगा, सही तौली जाएगी, जिहाद तौला जाएगा, हुस्न नीयत तौली जाएगी। जैसा अमल होगा वैसी तराजू होगी। हमारी नमाज के मुकाबले में कोई नमाज होगी ना जिसके मुकाबले में नमाज तौली जाएगी। हमारी जकात के मुकाबले में किसी की जकात होगी ना जिसके मुकाबले में जकात तौली जाएगी। हमारे रोजे के मुकाबले में किसी का रोजा होगा ना जिसके मुकाबले में रोजा तौला जाएगा। इसीलिए कहा गया है अस्सलामु अलैकुम या मवाजीन अल अमाल, ऐ अमाल की मीजानों तराजुओं तुम पर सलाम। वो मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं जो मीजान की हैसियत रखते होंगे। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले। तो अब दो पैगाम है यहीं पर, एक सबके लिए है, नमाज वैसी पढ़ो जैसी अली पढ़ते थे, और जो पढ़ते ही नहीं उनसे कहना है कि क्या ले जाओगे जो तौला जाएगा। इसीलिए पहली मजलिस में कहा था कयामत के लिए कयामत की तैयारी करनी, नमाज नमाज नमाज। माएं बच्चों को नमाज की तरबियत दें, बाप जो हैं वो बच्चों को कुरान की तालीम दें, गाफिल ना हो। सबसे बड़ा हक यह है कि आप अपनी औलाद को कुरान पढ़ा दें अज अव्वल ता आखिर। फायदा क्या होगा कुरान पढ़ाने का, बहुत फवायद है। एक फायदा यह होगा कि वहां ये बच्चा कुरान पढ़ता जाएगा और जन्नत में ऊपर उठता चला जाएगा। इक्रा वरका, पढ़ो आगे बढ़ो। हाँ शॉर्टकट है, बता देते हैं, वहां भी शॉर्टकट है, हर जगह शॉर्टकट। शॉर्टकट के ये मानी नहीं है कि सिरे से रास्ता ही तय ना करना पड़े, लंबा या छोटा कुछ रास्ता जरूर तय करना होगा। 1000 रकत नमाजें रात भर में नहीं पढ़ते, 100 रकत पढ़ो। क्या
100 रकत नहीं पढ़ सकते, 10 रकत पढ़ो, 11 रकत पढ़ो, अब इससे भी कम क्या किया जा सकता है। कई घंटे की रात होती है, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कई मिनट होते हैं उसमें, फिर वही पहली मजलिस आ गए। मैथमेटिक्स कमजोर है मुसलमानों की। उसमें 11 रकत नमाज पढ़ने में कई मिनट लगेंगे, इतना भी अल्लाह को नजर ना कर सको तो अल्लाह से मुंह है कुछ मांगने का? शर्म तुमको मगर नहीं आती? इतना भी ना मांग सकते? साल में 12 महीने, 12 महीने में सिर्फ 29 दिन या 30 दिन रोजे रखने, उसमें भी छूट है। बीमार पड़ गए तो मत रखो, बाद में रख लेना। सफर में चले गए, मत रखो, बाद में रख लेना। ये नमाज जो है, सफर में हो तो सफर में 17 रकत भी मत पढ़ो, बस 11 काफी है। इस लुत्फ और रहमत के बाद भी उस रब को याद ना कर सको तो हैफ है, फिर शर्म से खुद ही जहन्नम की तरफ जाना चाहिए। कुछ तो गैरत हो, कुछ तो गैरत हो। जबकि उसके बाद भी उसने तौबा और मग़फ़िरत का दरवाजा रखा है। तौबा और मग़फ़िरत, एक अस्तग़फ़िरुल्लाह वो सब कुछ बख्श देता है, खुदा की कसम, एक अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो कुछ तो हो, पूरा कुरान नहीं पढ़ सके, शॉर्टकट सुन लो, उतना कुरान पक्का अच्छा नोक पलक से दुरुस्त याद कर लो जितना कुरान नमाज के लिए काफी है। और सुनो, चुपके से कह रहे हैं कान में तुम्हारे, इसी में बिल्कुल आखिरी मर्तबे तक पहुंचा देंगे हम जन्नत के। इतने ही में अभी बता देते हैं, इतने ही में फुर्सत नहीं है पूरा कुरान पढ़ने की, फुर्सत नहीं है, बुढ़े हो गए, जबान मादरी जबान अरबी नहीं है, जबान टूटती नहीं, शीनकाफ दुरुस्त नहीं होता, 6666 आयतें नहीं याद हो सकती, सूरह अलहम की 7 आयतें और कुल हुवल्लाह, ये रट लो जो और नहीं कर सकता उसके लिए, जो जितना कर सकता है वो उतना करे, वरना खुदा के साथ बेइंसाफी नहीं, अपनी जात के साथ बेइंसाफी करेगा। तुम जो कर सकते हो वो करो, जो जितना कर सकता है ये उसके और खुदा के दरमियान है। काजी और मौलवी कुछ नहीं कर सकता, हम ठेकेदार और इजारादार नहीं हैं, हरगिज नहीं। मराजे तकलीद इजारादार नहीं हैं, मराजे तकलीद तो फैसिलिटेट करते हैं, आपको सहूलत फराहम करते हैं, काम करने का सलीका बता देते हैं, बस ऐसे कर लो, इजारादार नहीं है। ये तसव्वुर न रखना कि इजारादारी है, ठेकेदारी है, नहीं, मराजे का ये काम नहीं है, मराजे तो मसला बता देते हैं, ऐसे कर लो, जो जितना करेगा, बैनहु व बैन अल्लाह, उसके और खुदा के दरमियान, हमें थोड़ी हिसाब किताब लेना है आपका, हम तो खुद पता नहीं कहां किस हाल में खड़े होंगे, उम्मीद है अच्छी जगह होंगे। लेकिन जो नहीं कर सकता, बूढ़ा है, मेहनत मजदूरी करता है, खेतों में काम करता है, जो भी करता हो, अब वो नहीं पढ़ सकता, इतना रट ले, पूरे कुरान से 2 सूरे कसम खा के कह रहा हूं, खुलूस नियत से कुर्बतन लिल्लाह, अल्लाह की खातिर, अल्लाह जानता है कि इससे ज्यादा वो रट नहीं सकता, जाए किसी मौलवी को पकड़े, मौलवी साहब मुझे आज अलहम सही सही याद करा दो, आज मुझे कुल हुवल्लाह सही करा दो, बस 2 रकत नमाज पढ़ना सही सिखा दो। फिर मालूम है, अब शॉर्टकट बता रहा हूं, सबको मत बताइएगा,
वाह।